एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स के मुताबिक तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फिल डैम है, जबकि स्ट्रक्चरल वॉल्यूम के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, और मिरानी डैम फ्लड प्रोटेक्शन के लिहाज से दुनिया का पहले नंबर पर बेहतरीन डैम है, जबकि सबकजई डैम फ्लड प्रोटेक्शन के वर्ल्ड रैंकिंग में सातवें नंबर पर है। नंबर वन पर है तरबेला डैम। तरबेला सोआबी के एक टाउन का नाम है, सूबा हैबर पख्तूनख्वा के शहर हरिपुर में पाया जाता है। तरबेला डैम इंडस रिवर पर बनाया गया है। तरबेला डैम की कंस्ट्रक्शन का काम 1968 में शुरू हुआ और 1976 में मुकम्मल हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक 1.497 बिलियन US डॉलर इस पर लागत आई थी और इसकी वाटर कैपेसिटी 9.68 MAF है। दूसरे नंबर पर आता है मंगला डैम। मंगला एक विलेज का नाम है जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के शहर मीरपुर में है। मंगला डैम झेलम रिवर पर बनाया गया है। वर्ल्ड रैंकिंग के लिहाज से छवें नंबर पर है। मंगला डैम पर 1961 में काम स्टार्ट हुआ और 1965 में मुकम्मल हुआ। 1.5 बिलियन US डॉलर इस पर लागत आई। मंगला डैम की वाटर कैपेसिटी 7.4 MAF है। नंबर तीन पर है वारसिक डैम। वारसिक डैम सूबा हैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में मौजूद है। वारसिक डैम काबुल रिवर पर बनाया गया है। वारसिक डैम पर काम 1949 में स्टार्ट हुआ और 1960 में कंप्लीट हुआ। इस पर लागत 162 मिलियन यूरो आई थी। वारसिक डैम की वाटर कैपेसिटी 25,300 एकड़ फीट है। नंबर चार पर है मिरानी डैम। दोस्तों, मिरानी डैम सूबा बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कच्छ में है। मिरानी डैम दश्त रिवर पर बनाया गया है। मिरानी डैम का मनसूबा 1956 में स्टार्ट हुआ था और इस पर काम अक्टूबर 2006 में मुकम्मल हुआ था। मिरानी डैम की वाटर कैपेसिटी 3,02,000 एकड़ फीट है। नंबर पाँच पर है हानपुर डैम। हानपुर डैम सूबा हैबर पख्तूनख्वा के शहर हानपुर में मौजूद है। हानपुर डैम हारो रिवर पर बनाया गया है। इस पर काम 1984 में मुकम्मल हुआ। हानपुर डैम की वाटर कैपेसिटी 79,980 एकड़ फीट है। हानपुर डैम बनाने का मकसद इस्लामाबाद और पिंडी के इलाकों को पानी की फराहमी है। नंबर छः पर है हब डैम। हब डैम डिस्ट्रिक्ट लसबेला में है, जो कि सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर है। हब डैम को हब रिवर पर बनाया गया है। हब डैम पर काम 1963 में शुरू हुआ और 1981 में कंप्लीट हुआ था। हब डैम की वाटर कैपेसिटी 6,87,276 एकड़ फीट है। हब डैम बनाने का मकसद कराची को ताज़ा पानी की फराहमी है। नंबर सात पर है गोमल जम डैम। गोमल जम डैम सूबा हैबर पख्तूनख्वा के एजेंसी एरियाज में, जो कि साउथ वजीरस्तान में है। गोमल जम डैम गोमल रिवर पर बनाया गया है। गोमल जम डैम पर काम 2001 में शुरू हुआ और 2011 में कंप्लीट हुआ। गोमल जम डैम की वाटर कैपेसिटी 11,40,000 एकड़ फीट है। नंबर आठ पर है रावल डैम। रावल डैम मारगला हिल में मौजूद है, जो कि इस्लामाबाद शहर से बहुत करीब है। रावल डैम रावल लेक पर बनाया गया है, लेकिन इसमें कोरांग रिवर और मारगला हिल से निकलने वाली छोटी छोटी स्ट्रीम्स का भी हिस्सा है। रावल डैम पर काम 1960 में मुकम्मल हो गया। रावल डैम की वाटर कैपेसिटी 47,508 एकड़ फीट है। नौवें नंबर पर है सबकजई डैम। सबकजई डैम सूबा बलोचिस्तान के ज़िला ज़ोब में है। सबकजई डैम ज़ोब रिवर पर बनाया गया है। सबकजई डैम पर काम 2004 में शुरू हुआ और 2007 में मुकम्मल हुआ। सबकजई डैम की वाटर कैपेसिटी 32,700 एकड़ फीट है।
और 200 नंबर 10 पर है दिया मीर बाशा डैम। बाशा एक जगह का नाम है जो कि चिलास टाउन से 40 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि दिया मीर एक जिला का नाम है। दिया मीर बाशा डैम गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। दिया मीर बाशा डैम इंडस रिवर पर बनाया जा रहा है। 2028 में दिया मीर बाशा डैम का काम मुकम्मल हो जाएगा और इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। दिया मीर बाशा डैम की वाटर कैपेसिटी 81 लाख एकड़ फीट है, जो कि 10 क्यूबिक किलोमीटर के बराबर होते हैं। इसकी पावर जनरेशन एस्टिमेटेड 4500 मेगावाट होगी। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।